शांति 26 नवंबर 2019 के साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास है। ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। ये केवल नॉलेज तुम बच्चों के, दुनिया वाले भल गाते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, परंतु कैसे वो ये नहीं था। वो हिस्ट्री रिपीट्स इस प्रकार से समझते कि जो घटना पहले हुई थी वैसी ही घटना दोबारा होती है, वैसे ही घटना दोबारा होती है, परंतु वो समझते हैं यहीं पर ही होती रहती है। परंतु बाबा ने आके समझाया कि ये ड्रामा ही केवल कितने समय का है, 5000 साल, और हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, जिसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आ सकता। प्रश्न, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा के धंधा बल करो, लेकिन धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे तीछी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती। हमने विकारों से मुक्त करना है, ना कि विकारों में जाने में सहयोगी बनना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कह सकते, और रावण को हम बाप नहीं कह सकते, हम बाप कहेंगे। वो है रावण की आसुरी मत। अब तुम बच्चों को मिल रहे ईश्वरीय मत, तुम बच्चों को ईश्वरीय, कितना रात दिन का कितना फर्क है ईश्वरीय मत से देवी गुण धारण करते, ये सिर्फ ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता, और
नहीं पड़ता है, बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। राम तो और ही संपत्ति कम होती, तो संपत्ति होती जाती है, ये तुम ही जानते हो। आसरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो, नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो, गिरना कैसे होता, फिर चढ़ना कैसे होता, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्री मत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए, तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे, मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने इतना ऊंच पद पाया है, पहली बार नहीं पाएंगे, अनेक बार तुमने इतना ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म नीचे गिरे हो, फिर एक बाप आकर चढ़ाते हैं, फिर एक ही बार बाप आकर चढ़ाते हैं। कब? संगम युग पर। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है ना, सारे एक जैसा तो नहीं चढ़ते, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही। बाप समझाते हैं, टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है, बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, इतना ऊंच तो ऊंचते ऊंच पद पा, इतना ना कोई सहज बात तो नहीं, मासी का घर तो नहीं है। सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं, रावण पर जीत पानी होती है, सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे। सिखलाने वाला है बेहद का बाप, भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को जानते नहीं थे, कहते तो थे परंतु जानते नहीं थे। आत्मा को जानते थे परंतु मैं आत्मा हूं ये नहीं जानते, आत्मा को जानते थे, आत्मा है कोई चीज निकल जाती है, कहते भी थे भ्रिकुटी में चमकता है एक अजब सितारा, परंतु गलती कहां हो गई, क्या जान लिया, आत्मा सो परम।
आत्मा परमात्मा का अंश है, जिसके कारण समझ बैठे मैं तो शरीर हूं, आत्मा आती है और चली जाती है। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा कह दिया, फिर बाप किसको कहे? ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को जानते कि आत्मा क्या करती है क्या नहीं करती है, और ना परम आत्मा के ऑक्यूपेशन को जानते। क्या हम जानते हैं कि आत्मा क्या करती है? आत्मा पर निबंध लिखने के लिए दिया जाए, क्या करती है आत्मा? शरीर को बनाने से लेकर सारे काम, शरीर की रचना करना, शरीर की पालना करना, शरीर के संहार के निमित्त बनना, ये आत्मा का ही काम। क्योंकि आत्मा ही परम धाम से आई, सारा खेल किया और आत्मा फिर पर चली जाती है। जैसे आई, बाकी जो कुछ भी खेल है वो आत्मा के आने से पहले तो उसका स्थान बनता है। आत्मा तभी आएगी ना जब उसकी जगह मिलेगी, जब गर्भ धारण होगा, उसके बाद ही तो आत्मा आती है। परंतु गर्भ धारण ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक अपने आप होता रहेगा और आत्मा आकर अपने शरीर की रचना करना शुरू करेगी, क्योंकि संसार तो हमेशा खत्म नहीं होगा ना, हमेशा रहेगा ना, पांच तत्व तो हमेशा रहेंगे ना। ये बहुत से जो बांझ रह जाती हैं फैमिली, हाँ जी, जिनकी संतान नहीं होती है, उनको आत्मा कहाँ चली जाती है, उनमें क्यों नहीं आती, उनका क्यों नहीं गर्भ धारण होता? बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि आपने देखा कि धरती है और जहां पर बीज ने उगना है, आप वहां पर हल चलाएं या ना चलाएं, धरती अपने आप तैयार है। बीज वहां पड़ा, पक्षी ने वहां डाल दिया, कैसे भी डाल दिया, फूट गया। लेकिन कल या परसों पर मुरली में क्या था, धरनी को जब से हल से तैयार नहीं करेंगे तब तक बीज उसके अंदर नहीं उपजेगा। बीज की तो मुरली में बीज उपजेगा नहीं था, मुरली में इस प्रकार से था, धरती को तैयार करने में समय लगता है, परंतु धरती को कितना भी चलाएंगे ना, जब तक हल से अच्छी तरह नर्म नहीं कर लेंगे धरती को, परंतु धरती को नर्म करने में तो तैयार लग टाइम लगता है, उसमें बीज डालने में कोई देरी नहीं लगता, बीज डालने में देरी नहीं लगती। वो मुरली में इस प्रकार से था कि बाबा ने बच्चों से, 50 साल हो गए ना, संडे की मुरली थी, 50 साल हो गए ना, उस 50 साल की धरनी में पहले धरनी तैयार करने में टाइम लगा, अब आगे सारे संसार की आत्माओं तक ज्ञान का विस्तार करने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, ये बात अलग है। परंतु पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, माता पिता केवल और केवल धरती तैयार करते हैं, और वो धरती भी तैयार उसी के लिए करेंगे जिस आत्मा के साथ उनका अकाउंट होगा। अब उनका जिस आत्मा के साथ अकाउंट नहीं है, वो उनके घर आ कैसे जाए, और वो धरनी किसके लिए तैयार करे?
जिनके घर में किसी आत्मा का आने का हिसाब किताब ही नहीं है, वो धरती कैसे तैयार कर दे? सीधी सी बात यहां है, कर्मों की गति को भूलना नहीं है। जिस आत्मा ने जिस घर में आना है उसी के लिए धरती तैयार होगी, और आत्मा ने नहीं आना। हाँ जी, ब्राह्मण पार्टी नहीं है उनके घर, किसी आत्मा ने किसी बच्चे ने आकर रोल प्ले नहीं करना, कैसे वो धरती तैयार कर दे? धरती तैयार वो माता पिता के हाथ में होता तो फिर तो सारे तैयार कर देते। ये साइंस कैसे तैयार कर रहा है? साइंस कोई नहीं तैयार कर रहा, साइंस भी मात्र एक सहयोगी है कि वे मतलब एक गर्भ बना के तैयार कर देता है, और वो भी तैयार इसलिए करता है कि उसको फीस चाहिए, उसका कार्मिक अकाउंट है। यदि उनका अपने आप नेचुरल गर्भधारण हो जाए तो उनको मदद ना करनी पड़े ना, वो केवल सहयोगी बना है तीसरा जना कि जिसने मतलब क्या बोलते हैं अलग से गर्भधारण के लिए तैयारी कर दी ताकि वो हो जाए। उनको फीस ना देनी हो तो गर्भ अपने आप तैयार हो जाए। गर्भ तैयार तो स्त्री और पुरुष से ही होना है ना, वहां भी स्त्री और पुरुष चाहिए ना, बिना स्त्री और पुरुष के साइंस बना देवे ना बच्चा, वो केवल सहयोगी है भाई। इंजेक्शन के द्वारा मेरे भाई इंजेक्शन भी मेरे भाई शारीरिक, उसने फीस लेनी थी इसलिए इंजेक्शन लगाना पड़ा। अगर उसने फीस ना लेनी हो, उसका बीच में हिसाब किताब ना हो, तो उसके इंजेक्शन की भी जरूरत ना है। किसी को ठीक होना होता है तो राख से भी ठीक हो जाता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयों से वो ठीक नहीं होता। ये हिसाब किताब है। अब उसने कर्जे देने हैं डॉक्टर को, वो कर्जे देगा तभी तो ठीक होगा। बिना कर्जे दिए वो ठीक हो जाएगा क्या? बीमारी किस बात की है? बीमारी कुछ नहीं है, ये कार्मिक हिसाब किताब है। उसने दर्द लेना है, सुख लेना है, दुख लेना है, सब किताब है। आज डॉक्टरों के पास एक कला आ गई है, फटाफट काटो और बच्चे को बाहर निकाल के रख दो, सिर दर्द ही खत्म। वरना पहले कितना तकलीफ होती थी, कितना परेशान होते थे, मर भी जाते थे, चाहे माँ मर जाए चाहे बच्चा मर जाए, क्यों नहीं? अब कला है पता ही नहीं, बच्चा एक सेकंड के अंदर पता ही नहीं कैसे आ गया बाहर, बाद के कर्म भुगते रहेंगे अपने आप। तो ये सब कोई भी किसी से नहीं, ये आत्मा के कार्मिक अकाउंट से हमारे घर में किसी और बच्चे ने जन्म लेना है तो उसके लिए ये सारे खेल चलते हैं, नहीं तो कोई खेल ही नहीं है। ये ड्रामा किस एक्यूरेसी को समझना है, माता पिता तो केवल और केवल सहयोगी हैं, और वो भी सहयोग अपने कर्मों के हिसाब से देते हैं। अब बच्चा तो पैदा किसी और ने किया और उसके बाद पाल कोई और रहा है, उसने छोड़ दिया, उसने बेच दिया, उसका चोरी हो गया, कुछ भी हुआ हो, चोरी हो गया, बच्चा मर गया, उसका मरा हुआ बच्चा वहां रख दिया, परंतु पालना किसी और ने है ना, ये भी हिसाब किताब है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है। जब तक आत्मा उसमें ना आए तब तक शरीर डेवलप नहीं हो सकता, आत्मा खुद आकर अपने शरीर की रचना करती है परम धाम से आकर। बाकी तो सारी दुनिया में पांच चीजें अवेलेबल हैं, बनाना तो आत्मा का काम है ना। कैसा विचित्र ड्रामा है, कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा की ऑक्यूपेशन को जानते ना परमात्मा की ऑक्यूपेशन को जानते, बाप खुद आकर समझाते, कोई आत्मा नहीं समझा सकते। बाप बिगर
कब कोई रियलाइज करा ना सके। जैसे समझा रहा है बाबा, हमें सच महसूस करा रहा है, ऐसे कोई करा ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय। एक है ईश्वरीय संप्रदाय, एक है आसुरी संप्रदाय और एक है देवी संप्रदाय। है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहीं। इसमें ही माया विघन डालती है, बुला देती है। बाप कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो जाएगी। शास्त्रों से यह बातें कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना, ब्रह्मा ने, बाबा ने, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं उसकी इसकी कोई वैल्यू नहीं। कितनी पढ़ी इसने गीता, इसकी कोई वैल्यू नहीं। उसी के शरीर से बोल रहे हैं, है ना। ये बनाई क्यों है, क्या वैल्यू नहीं है तो गीता, जो दुनिया वाली गीता है, दुनिया वाली, हाँ, जो अदालत के अंदर भी उसकी कसम खाई कसम खाई जाती है। ये गीता, बाबा कहते उस गीता को इसने कितनी पढ़ी और इसकी कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान तो उसी के जरिए इसने भी प्राप्त किया है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। फिर मिला तभी तो गुरु की शिक्षा के। ध्यान दीजिए, यही बात समझने वाली है। गीता बाबा कहते इसने बहुत पढ़ी, मैंने भी बचपन में गीता मुझबानी याद कर ली, पर तू क्या काम की, या ये आज किस काम का। उस गीता ने तो बीड़ा गर्क किया, दुनिया को गुमराह किया। अब बाबा आकर गीता का सत्य रहस्य समझाते, उस गीता का नहीं। गीता शब्द का मतलब है जो गाई जाए। गीता एक नहीं है जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, कितनी गीता है, ठीक है कि नहीं। गीता बहुत सारी है जो गाई जा सके, किसी को ज्ञान समझाने के लिए, वो सब गीता कहलाती है, ठीक है। परंतु यहां पर ये समझना है, बाबा कहते मैं ही आकर के सच समझाता हूं, इसने भल गीता पढ़ी, इसका क्या उद्धार हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है रावण, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का विद्वान पंडित होने के बाद भी मूर्ख था, गधा था, क्रोधी था, अहंकारी था, लोभी था, मोही था, काम विकार में फंसा पड़ा। क्या फायदा हुआ इतने सारे पढ़ करके, कोई सुधार ही ना हुआ, उसके चरित्र का सुधार नहीं हुआ, फिर क्या फायदा है उस पढ़ने का। जब रावण इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना विद्वान पंडित होने के बाद भी विकारों से मुक्त नहीं हो सका, ये केवल रावण एक नहीं, बाबा कहते आज संसार के अंदर एक भी मनुष्य नहीं जिसको सच नहीं मालूम। हर एक को पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, और उसके बाद भी वो कर रहा है, इसीलिए उसको रावण कहा जाता है। दुर्योधन ने भी ये बात, दुर्योधन के मुंह से भी ये बात लिखवाई गई, कहलवाई गई, मैं जानता हूं कि सच क्या है, मैं उस पर चल नहीं सकता, मैं जानता हूं कि मैं ये गलत कर रहा हूं, परंतु मैं कर रहा हूं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो ये रावण है। परमात्मा आकर हमें, बाबा कहते मैं आकर सत्य समझाता हूं। यदि दुनिया के शास्त्रों को पढ़ के उद्धार हो सकता तो दुनिया पढ़ के सुधर गई होती, परंतु जितना पढ़ा, जितने पुराण पढ़े, जितने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, और ही बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे
चार वेद छह शास्त्र 18 प्राणों का दाता था, जब भी विकारों के वशीभूत था, तो फिर ये आत्मा नहीं थी, तो फिर क्यों कहते हैं इसको? किसको? ये रावण। बाबा कहते रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण है तुम सब आत्माओं के अंदर, जिसके कारण तुम नहीं समझ पाते। चार वेद कैसे पढ़ लिए? आप वही मैंने आपको दिया, आपने समझा नहीं इस बात को। चाहे कोई चार वेद दुनिया में पढ़ ले, छह सात अठारह प्राण पढ़ ले, सुधर नहीं सकता। आज कितने बड़े से बड़ा विद्वान संत ऋषि मुनि हो, जिसके सुनने वाले लाखों भाषण सुनने वाले हो, या एक अनपढ़ हो, दोनों के दोनों सच को जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ने से या ना पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। अब कई ऐसे आपको बुजुर्ग मिलेंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, परंतु आपको ऐसी अच्छी अच्छी बात समझाएंगे, बच्चे ऐसे नहीं करना, चाहे उन्होंने आपस में बैठ करके सुन करके अपने जीवन में धारण किया हो। इसका कोई मतलब नहीं है सत्संग में जाकर के किसी को बात समझ में आ जाए, और कोई सत्संग कराए और उसको बात समझ में ना आए। उस अदिति क्लास चल रही थी, उस अदिति बोल रहे थे कि रावण कोई अज्ञानिक नहीं कहेंगे, जो बाबा के बच्चे हैं वे ही रावण है, क्योंकि शिव का भगत था ना रावण, तो बाबा से जो पढ़ रहे हैं फिर विकार में जा रहे हैं, तो वे ही उन्हीं को रावण कहेंगे, ना कि अज्ञानी। रावण सभी हैं, रावण चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे उषा बहन कहे चाहे गीता बहन कहे, जिसके अंदर समझ है। मैं तो देखता हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता, मैं बहुत सारे अनपढ़ लोगों से, गांव के अनपढ़ लोगों से भी मिला हूँ, उनसे मिला हूँ, उनको बहुत अच्छी बातें मालूम है, बहुत अच्छी। जरूरत ना कि शास्त्र पढ़ने से समझ आएगी, एक बार किसी ने कोई से बात सुन ली अपने जीवन में समझ ली, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। शिक्षा स्कूल में देते हो, किसका सहारा लेते हो? देखिए स्कूल की जो सहारा लेते हो, देखिए लेख को पढ़ते हो, परंतु इतिहास पढ़ते हो, परंतु पास हो जाएंगे बिगड़े डिग्री लिए, परंतु वैल्यू कहां से मिलेगी? हाँ यही तो हम समझा रहे हैं, परंतु उन पढ़ाई पढ़ने से किसी का करैक्टर आज तक ना सुधरा, ना कैसे सुधरा, एक राष्ट्रपति बन गया है, बन गया, परंतु उस राष्ट्रपति के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि जो ये महाराष्ट्र का खेल चल रहा है उसमें राष्ट्रपति का क्या। मैंने ज्यादा डिटेल नहीं देखी ना सुनी, परंतु आपने इशारे दिए तो मुझे समझ में आ जाता है, उस महाराष्ट्र के अंदर जो खेल चल रहा है ड्रामा, उसमें राष्ट्रपति ने कितना अच्छा रोल प्ले किया है या किसने क्या किया है, वो सारे नंगे के नंगे हैं, उनको आप ध्यान से बैठ के सोचना। राष्ट्रपति बन जाने का मतलब ये थोड़ा है पब्लिक को भी उसको एक प्रूफ दिखाने के लिए वहां पर स्थापना कराई जा रही है कि हिंदुस्तान के मेन सुप्रीम पावर जो है उसके कर कमलों द्वारा स्थापना की गई है, उसको कोई टाल नहीं सकता। मेरे भाई ये ओम शांति वाले सारे क्यों दे दिया, और जो भाई क्यों भागे फिर रहे थे निमंत्रण देने के लिए, किसको किसको? राष्ट्रपति को। मेरे भाई राष्ट्रपति को निमंत्रण हम इसलिए देते, बड़े बड़े मंत्रियों को इसलिए देते, बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, पब्लिक को जुटाने के लिए। उन्होंने तो सुधरना नहीं, परंतु उनके कारण जो गरीब आत्माएं हैं वो सुधर जाएंगे, उनको संदेश मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? आज जो हमारा सबसे पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक नहीं? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा गया उपराष्ट्रपति, फर्स्ट उपराष्ट्रपति था राधा कृष्ण, तो राजेंद्र प्रसाद को के पास बहने गई, बोला है ना मैं ये नौकरी से पद से राष्ट्रपति पद से हटूंगा ना, फिर मैं आपके पास ही रहूंगा, आपका ज्ञान वाक्य में बहुत अच्छा है। परंतु जब वहां से भी रिटायर हो गया, अपना आराम से गाँव में जीवन व्यतीत कर रहा था, तो भी वो नहीं आ सका। ये आत्मा का अपना पार्ट है, जिस आत्मा को समझ में आ गया उस आत्मा के पास ज्ञान सुनने के लिए समय समय है,
परंतु जिसको नहीं समझ में आया उसके पास समय है ही नहीं, वो बैठकर अपना समय ताश में गंवा देगा, चाय की दुकान पर गंवा देगा, इधर उधर की कहानियों में गंवा देगा। भाग्य से मिलता है। मेरे भाई घर का नाग ने पूछिए बम्बई पूजन जाए वाली बात है, ये बहनें जो हैं और भाइयों ने शांति वालों ने पूरे हिंदुस्तान के वर्ड में इनकी ब्रांचेज है, वो सबको हेडक्वार्टर से संदेश भेजा है कि वहां पर राष्ट्रपति आएगा, आप लोगों ने आना है। और ये भी कहा चाहे जो ओम शांति का नहीं है उनको भी पब्लिक को दिखावे के लिए लाना है, वहां जनता को एकत्र करके शो करना है। किस लिए बताओ आप ही। आप यही हाँ, बहुत अच्छी बात है आपने पूछा है। ये इसलिए सभी को इनवाइट किया जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा गहराई की ज्ञान की बातें हो नहीं सकती, ज्ञान की गहराई की बातें नहीं होंगी। नए नयों को इसमें परिचय मिलेगा कि अच्छा ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी अच्छी है और ये बताती है, तो नई नई इंट्रोडक्शन उनको हो जाए। ये सेवा है, ये सेवा की युक्तियां हैं। इससे हमारा राष्ट्रपति के आने से हमें कोई राष्ट्रपति के से कुछ चाहिए नहीं, हमें तो ये बहाना है सेवा करने का। मतलब बहुत क्लियर समझना है, राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं है, उसका भाग्य है तो वो आएगा, उसका भाग्य नहीं है तो नहीं आएगा। अब्दुल कलाम आया, अच्छी तरह उसने शुरू किया, हार्ट का जो सारा प्रोग्राम है प्रोजेक्ट है उसी ने शुरू कराया। हर एक का अपना अपना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि जो दुनिया के झमेलों में फंसे हुए हैं वो बाबा के ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। बाबा की बहुमत से क्या संबंध है? हाँ जी, बाबा का वोटिंग से पब्लिक से क्या डीलिंग है? बाबा कहते बच्चे वोट देना पाप है, लेकिन आप जो है क्यों कहते हैं और क्यों अपने पैसे खर्च कर गिफ्ट देते हो बुला के? मेरे भाई जब हम किसी को बुलाएंगे उसको गिफ्ट तो देना है ना। नहीं नहीं, गिफ्ट आप उस रास्ते पे मत दो ना, उस गिफ्ट को। किस रास्ते पर? हम आपके साथ हैं, अकाउंट मुझे भी आप कहोगे भाई इसका देखना वोट देना है हमें, ये अच्छा आदमी है। देखिए मेरे सामने मैं यदि बात कर रहा हूँ तो मैं तो सीधा सीधा बोल देता हूँ कि हम वोट देते ही नहीं, मुझे उनके किसी प्रकार का लालच नहीं, परंतु मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम मत दो। मैं अपनी बता देता हूं कि मैं वोट नहीं देता हूं। बाकी क्यों किसी को बुरा लगे तो कह देते हैं अच्छा जी ठीक है जी, क्यों बेकार में उसके साथ। यदि मेरे पास टाइम हो तो मैं कहता हूं मैं वोट नहीं दूंगा, टाइम ना होना तो मैं तो ठीक है जी अच्छा जी दे देंगे, देना तो हमने है ना, उनको भी पता है देना तो इन्होंने है ना, बाकी हमारा किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं। भाई बहुत बड़ा काम है, बहने काने इधर उधर करने लगी, मुरली सुना दो। हाँ नहीं मुरली तो सुनेंगे मतलब मेन बात क्योंकि विषय आपने समझना है कि हमें, मैं तो समझता हूँ कि विश्व ये अपने ओम शांति वाले भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। नहीं देखो कोई फैला रहा है तो उसका अपना पार्ट है, हमें बाबा ने मना किया है कि आपने वोट नहीं देना, सीधी सी बात है। बाबा ने तो सीधा कहा मेरा संदेश पहुंचा दो, बस में बड़े छोटे में कोई रहे ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत है, छोड़ते नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, धंधा आदि भी, कोई का रॉयल होता है तो कोई का छी छी धंधा होता है, शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से, ये धंधा चेंज कर लो नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझ जाते हैं इन सब धंधों में नुकसान है, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे, सब धंधे सब नशे बेकार सिवाय एक नारायणी नशे के, एक नशा करो बस। बाप समझ जाते हैं सब धंधों में नुकसान है, करके लखपति बन जाएंगे, कितना भी धंधा कर ले करोड़पति बन जाएंगे अरबपति बन जाएंगे, इस धंधे से क्या बनते हैं?
बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हो, तुम भी समझते हो। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है, हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, क्योंकि हमने अपना सुधार खुद करना है। ये बाबा भी जानते हैं हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है, ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फखर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है, इनको तो खुशी होती है। परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा, ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी, वरना कितना धनी व्यक्ति था, दान पुण्य करता रहता था, वाह 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 के गीत गाते थे, और बाबा का बच्चा बना, वही लोग एंटी ओमंडली के रूप में खड़े हो गए, रोज गालियां निकालना, झगड़े करना, धरने देना, पिकेटिंग करना, जेल में थाने में जाना, पुलिस में जाना, कोर्ट में जाना, ये सारे। बाबा कहते हैं अच्छा बना हूँ मैं तेरा, मेरे को गालियाँ खानी पड़ रही हैं, वरना मैंने जिंदगी में कभी कोई गाली खाई ही नहीं। और शिव बाबा क्या कहता है, सबसे गालियाँ तो ज़्यादा बहने खाई हैं, और मेरा बनने से तो तेरे को मिलेंगी, जो बनेगा उसको भी मिलेंगी, खानी तो पड़ेंगी ना। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना भी नहीं है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। फिर बाबा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे मिली हैं, अब तुम्हारी बारी है, बनो मेरे, गालियाँ खानी पड़ेंगी। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है, रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो ज़रूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना है, इसमें तुम बच्चे उनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है ना, भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं फिर भी कुछ लैस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है, कमी आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है, कितनी अबलायों पर अत्याचार आदि होते हैं, यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, अभी हम श्री मत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बन गए, टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है ना, ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होती है, सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूँ, ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है, इसमें थैंक्स देने की कोई बात नहीं, बाबा को धन्यवाद करने की, बाबा कहते मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमद रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ना सके, जो भी आए बोलो सतो प्रधान नहीं, नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है, फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है, मंत्र ही ये है, मन मना मध्या जी पाओ, बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ, और कोई बोल नहीं सकता कि मैं सुप्रीम गुरु हूँ।
तो हम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि की को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिलती है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके। ये भी भूल जाते हैं, कोई विरले हैं, कोई बाकी तो गिरते रहते हैं। ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है, कला काया चट हो जाती है, सब कला निकल रहित हो जाते हैं, एकदम काले हो जाते हैं, कला खत्म, कोई कला ही नहीं रही। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैश्याल्य, जन्म जन्मांतर वैश्याल्य में रहे, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं, मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनना। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, तुम फिर औरों को दे, आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना, ये इतना नहीं समझा सकते, दुनिया वाले इतना नहीं समझा सकते। जितना तुम समझा सकते हो, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वे कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं, ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए, तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं, भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, पहाड़ टूट गया फिर ये पहाड़ लगेगा कैसे 5000 साल बाद, वो समझते कैसे हो जाएगा। परंतु बाबा ने कहा बच्चे हर 5000 साल बाद, हर सेकेंड, हर चीज जहां होती है वहीं होती है। मनुष्य ये भी जानते नहीं कि बाप क्या, कि बाप में क्या नौ, तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है, भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है, भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना, ड्रामा में शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते फिर अपने समय पर वही बनते हैं। जितनी भी किताबें हैं, धर्मशास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो अपने समय पर हर 5000 साल बाद बनेंगे, फिर ये सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा ऐसे ही चलता है, हर 5000 साल बाद अपने टाइम पर फिर से बनेंगे, फिर हम यही चर्चा करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे। पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो, वो श्लोक गाते हैं, तुम कोई श्लोक नहीं गाते, तुम सिर्फ याद करते हो, मतलब तुम कहना मानते, वो सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं,
वो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते। तुम परमात्मा का कहना मानते। तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शास्त्रों में कितना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में भी आ ना सके। तो बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवानों वाच, मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही ये, वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व का सदगति करते हैं। बल स्थापना कराने करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु रास्ता तो बताते नहीं। बरात तो शिव बाबा की गाई जाती है ना, और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है, कहाँ ये सूक्ष्म वतनवासी शिव और कहाँ वो कहाँ सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वो मूल वतन। दोनों एक हो कैसे सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया, ये तो शिव बाबा का बच्चा बना ना। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बातें, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति होती हो। याद की यात्रा मेरे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना, एक सतगुरु की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना करती। वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो ऐसे सहयोग से वायुमंडल का कलकिया किला बन जाता है। तो जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है, जैसे पांच अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग के रिजल्ट है सफलता। सहयोग दिया या सहयोग मिला तो सफलता मिलेगी ना।
कदम कदम में पदम की कमाया, हर कदम में हर कर्म हमारा पवित्र न्यारा और कदम कदम में पदम की कमाई जमा करने वाले ही सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि हर कर्म जो श्रेष्ठ कर रहा है बाप के डायरेक्शन पर कर रहा है वही धनवान है ना, जो अपनी मत पर कर रहा है वो धनवान कैसे बनेगा। ओम शांति।